सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। मैं चंदन सिंह, आज आपको क्लास 10 का चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा वीडियो यानी कि दूसरा सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्रिकेट टीम में एक कोच ने 49 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। क्वेश्चन, पहली शर्त इसकी है, यह मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये और एक गेंद का मूल्य Y रुपये। इस प्रकार से आपकी शर्त स्टार्ट हो जाती है। पहली शर्त लेते हैं, कह रहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 49 रुपये में 3 बल्ले यानी कि 3x और 6 गेंद यानी कि 6y बराबर आपका हो जाएगा 4900। फिर दूसरा शर्त है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। एक और बल्ला खरीदा तो वो x हो जाएगा और 2 गेंदें खरीदी, उसने कुंडल पे किया 1300 रुपये। इस प्रकार से 2 इक्वेशन आपके बन के तैयार हो गए। अब आपको जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था सारणिक मेथड से हल करना है, उसी प्रकार से हम एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 6y बराबर 4900। अब ये आपका हो जाएगा, सारणिक के लिए हमने बना लिया है। फिर दूसरा, x प्लस 2y बराबर 1300, इसके लिए भी हम एक बना लेते हैं कॉलम। जी अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं ले रहा हूँ आपको भी वही लेना है। कोई भी आप इसमें से मान ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोई भी मान ले लें, तो हमने ले लिया पहले वाले इक्वेशन के लिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू लेते हैं कुछ भी, सपोज करिए हमने पहले इक्वेशन के लिए, यहाँ पर रफ कार्य में दिखा दे रहा हूँ आपको करके, 3x प्लस 6y बराबर 4900 है आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व भी हो सकता है। ये आपका हो जाएगा, 3 कामन ले लेंगे, x प्लस 2y बराबर 4900, तो इसको जब क्रॉस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1300। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300 ये भी है और x प्लस 2y बराबर 1300 ये भी है। इक्वेशन वही लिखी हुई है तो हम एक ही को हल करके काम कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, y की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर 200 ले लेते हैं, मान लीजिए 200 ले लेंगे तो x प्लस 2 × 200 इक्वल टू 1300 हो जाएगा। x इक्वल टू ये है 2 × 2 = 400 उसमें घट जाएगा तो आपका 1300 से 400 गए तो आपके बचे 900। यानी कि जब हम x और y की वैल्यू 200 लेते हैं तो x की वैल्यू आपकी 900 आती है। कितनी आती है? 900 आती है। फिर इसी प्रकार से अगर हम y की वैल्यू 300 ले लें, y बराबर 300 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 × 300 बराबर 1300, तो x बराबर हो जाएगा 600 निकल जाएगा तो आपका बचा 700, यानी कि ये आपका बच जाएगा। यहाँ पर लेंगे हम y की वैल्यू 300 तो ऊपर बचेगा आपका 700। अब इसी का आपको ग्राफ
तैयार करना है। अब आप इसका मान निकालें या ना निकालें, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम बन रही हैं। तो इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, ग्राफ कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। मैंने उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो बना लिए हैं, 900, 200 और 700, 300। केवल दो का ही हम बना लेंगे, और आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कॉपी पर ही आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आप अगर उसे ग्राफ पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देख, हमने बना लिया है, वाई की तरफ 700 तक हम ले गए हैं और एक्स की तरफ 900 तक ले गए हैं। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, पहला आपका है 900, तो यहाँ पर आया हमारा 900 वाला पॉइंट। अब 900 y की तरफ जाना है आपको 200, तो यहाँ पर आपको जाना है, ये यहाँ पर आपको जाना होगा, 200 हो गया। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आपका बन रहा है 700, सो 700 आपका यहाँ पर है, और 300 आपको जाना है, तो 300 आपका यहाँ पर आएगा। अब आपको करना क्या है, केवल ये जो बिंदु जो हैं इन्हीं रेखाओं को आपको मिला देना है, ऐसे ऐसे जब मिला देंगे बस यही आपकी जो है वो लाइन हो जाएगी। इसको ए मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 900, 200 हो जाएगा, और इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये आपका बिंदु जो है वो हो जाएगा 700, 300। और मान जब आप माने होते तो आपका ऊपर चला जाता। इस प्रकार से हम ग्राफ जो है वो बना लेंगे।